इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात को समझो। माजरत के साथ इतनी बदनामी के बाद अनमोल के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। मैं आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निगलता ना। हाँ, जो नहीं जानता हो वो शायद इस रिश्ते के लिए राजी हो भी जाए। इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अनमोल के लिए खानदान से बाहर रिश्ता दे। बस बस, बहुत हो गया। आप मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी बेटी के रिश्ते की, तो मेरे रब ने चाहा तो उसे बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। आपा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से पहले होगी। बहुत जल्द अनमोल की शादी का दावतनामा आपके हाथों में होगा। आइएगा जरूर। मामू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप जा रहे हैं? क्या बात है मामू, सब ठीक तो है ना? जब दिलों में बदगुमानी हो और नीयत साफ ना हो तो कुछ ठीक नहीं होता। मामू, अम्मी ने कुछ कहा है? देखिए, अगर अम्मी ने कुछ कहा है तो मैं उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। रहने दो, तुम्हारी माजरतें और तुम्हारी माँ के इल्जाम अब मेरे लिए ना काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल कबूल। मामू, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चले ना, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हारी माँ से बात कर चुका हूँ और ऐसी बात का अफसोस है मुझे। क्यों तुम्हारी माँ से एक बार ना उम्मीद होने के बाद मैंने दोबारा उम्मीद लगाई? मेरा ही कसूर है। इस घर का दरवाजा मुझे दोबारा खटखटाना ही नहीं चाहिए था। मामू, मेरी बात माफ। यार, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर ही डॉली से तुम्हारी बात करवाई थी। मेरे घर वाले जो भी बोले, मैंने एक्ट्रेस ही बनना है और एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाना है। जैसी तुम पे पाबंदी है ना, इसके साथ तो ये मुमकिन नहीं है। अपने इस ख्वाब को ख्वाब समझ कर ही भूल जाओ। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो इतनी जल्दी हथियार डाल देते हैं। फिर कोई रास्ता निकालो जो तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें आसानी से ले जा सकता हो। समझ लो, निकाल लिया है। एक लड़का है, वो मेरे से इतनी मोहब्बत करता है, मेरे इशारों पर चलता है, मेरे से शादी करना चाहता है। और उसने मुझे कहा था कि शादी के बाद वो मुझे किसी भी चीज से नहीं रोकेगा, लेकिन मेरे लिए तो बस टाइम पास है। मैं उसे इतना सीरियस नहीं लेती। अगर कुछ बनना है तो कर लो उस टाइम पास से शादी। इस कैद से निकलो, जियो अपनी जिंदगी। हाँ, मैंने तो यही सोच लिया है। शानी के जरिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अच्छा सुनो, उस डायरेक्टर को तुमने मना नहीं करना? अच्छा ठीक है, कोई बहाना बना दूंगी। लेकिन एक बात कहूंगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जितनी जल्दी हो सके उस बेवकूफ से शादी कर लो और निकलो इस घर से। यार ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या समझती है आपा, क्या समझती है कि मेरी बेटी को अपनाएंगी नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी? इसी महीने के अंदर अंदर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करके दिखाऊंगा, सारिम से अच्छा रिश्ता ढूंढ के दिखाऊंगा अपनी बेटी के लिए। जब मेरी बच्चियों में कोई बुराई नहीं है तो क्यों उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे? अपनी औलाद की गलती मानने और शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय मेरी औलाद पे इल्जाम लगा रहे हैं। सबके सब खुद खर्च हैं, बस बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर बात किसी की बच्ची के किरदार पे आ जाए तो मजा दुबाना हो जाता है। अच्छा बाबा, आप खामोश हो जाएं, सुकून कर लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बैठ जाएं। अच्छा बैठ जाएं। कुछ नहीं होगा मेरी तबीयत को, ठीक हूँ मैं। सब के सब कमजोर समझते हैं मुझे। पूरा जरूर हुआ हूँ, मगर इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम लोग का दिफा ना कर सकूँ। आप कोई कुछ कह के दिखाए, जबान खींच लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आप सुकून से बैठ जाएं। आपको तो पता है पप्पू को ऐसे बातें करने की आदत है, आप क्यों दिल पर लगा रहे हैं? आप कर लेना, आपको जो करना होगा, बैठ जाएं। अब मैं तभी सुकून से बैठूंगा जब मैं तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करके सारी दुनिया को दिखा दूंगा। हाँ तब बाबा।
अनम, अनम अम्मी बेटा ये मुझे दो और जाकर ना मेरा कमरा ठीक कर दो। ठीक है अम्मी। अरे आपदा बहन आप अचानक से, अरे बताया भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाजिया आप भी नहीं आई आपके साथ? नहीं, और दुआ करो कि वो इस घर में वापस ना आए। अगर इस दफा भेजा ना तो हमेशा के लिए भेजूंगी। अरे क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर मेरी बेटी बर्बाद हुई ना तो आपकी बेटी भी सुकून में नहीं रहेगी। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि आपका बेटा मेरी बेटी पे ऐसा कौन सा जादू टोना कर रहा है कि वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी भोली भाली बच्ची जो शानी के नाम से चिढ़ती थी उसकी शिकायतें मुझसे लगाती थी, अब उसका ये हाल है कि शानी के अलावा वो किसी और का नाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी बच्ची शानी के लिए दो दिन से फाका करके बैठी है। आपकी औलाद ने मेरी बेटी पे ऐसा कौन सा काला इन करवाया है कि वो ऐसी जिद पकड़ के बैठी है? देखिए मेरी बात सुने आपदा बहन, अरीबा जो कुछ भी कर रही है ना अपनी मर्जी से कर रही है, और आजकल की नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बेटे में ये गुण होंगे, मेरी बेटी में नहीं। मैंने तो उसको इतनी सख्ती में रखा हुआ है कि जमाने की हवा भी नहीं लगने दी मैंने उसे। शानी को कहें कि मेरी बेटी को बहकाना छोड़ दे, वरना शानी के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसका नतीजा ना आपको भी भुगतना पड़ेगा। जब वसीम आपकी बेटी को आपके घर पे बिठाएगा ना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये मैं भी नहीं चाहती कि वसीम को इतना सख्त फैसला करने पे मजबूर करूं। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। सिद्दीकी से ज्यादा तो तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है? जब भी तो कल से सीधा मुंह बात नहीं कर रहे मुझसे। मोल तुम्हारे काबिल नहीं है। नहीं अम्मी, उसकी काबिलियत अभी भी वही है, बल्कि आपने मुझे उसके लायक नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से मामू और हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हुआ था, आपने फिर मुझे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां से जाने वाला हर रास्ता मुझे मेरी मंजिल से दूर कर रहा है। सच बताएं अम्मी, क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता? मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? ये दर्द सह लो सारे, तो आने वाली तकलीफ से बच जाओगे। बेटा तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रहे हो, जज्बात में इंसान की अकल नहीं, सिर्फ दिल काम करता है, और तुम्हारा दिल तो उस अनमोल की मोहब्बत में बेकाबू हो चुका है। तुम्हें जितने दिन उसी मोहब्बत का सोग मनाना है मना लो, उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी।